नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि आज 3-3.5 घंटे तक सीबीआई ने मेनका के घर पूछताछ की। सीबीआई की लगातार पूछताछ से क्या चीजें सामने आई है ये भी खुलकर आ जाएंगी। लेकिन गौरतलब है कि कल ही मेनका गंभीर के नाम पर सीबीआई की समन जारी हो गया था। अरे अरे, कौन है ये मेनका? मैं किस मेनका की बात कर रही हूँ, ये तो बताया ही नहीं। जी हाँ, चर्चा कर रही हूँ मैं सबसे बड़े घोटाला, इस कोयला घोटाले के बारे में, जहाँ बंगाल विधानसभा चुनाव की बात हो रही हो और इस चुनाव में कोयला घोटाले की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक टाइम था जब हम कुछ गलती करते थे तो हमें डांट पड़ती थी, हमें सुनना पड़ता था। वैसे ही जब बड़े घोटाले होते थे तो घोटालेबाज को पकड़ा जाता था, स्कैमर को ढूंढा जाता था, फ्रॉड्स को देखा जाता था। लेकिन आज थोड़ा उल्टा गंगा बह रहा है। जब भी कोई गलती होती है, जब भी कोई फ्रॉड हो रहा है, जब भी कोई स्कैम होता है और उसकी जांच पड़ताल होती है, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के परिवार से जुड़ा हो, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी के परिवार से जुड़ा हो, बात पलटकर बीजेपी पे आ जाती है कि बीजेपी का सरकार है इसलिए घोटालेबाजों की जांच करवाई जा रही है। अरे घोटाले की जांच हो रही है तो आपको आपत्ति क्यों है? एक पर्टिकुलर पर्सन पे जांच हो रही है, आपके घोटाले को खुलकर सामने लाया जा रहा है, तो परेशानी क्या है इसमें? तो आइए मैं चर्चा करती हूं इस कोयला घोटाले की। क्या है इस कोयला घोटाले का पूरा एक संक्षिप्त मैं आपको बताऊंगी। बात है लगभग पिछले साल 2020 की, जब आपको पता होगा भारत बांग्लादेश की सीमा पर बड़े तस्करी का भंडाफोड़ हुआ था। इसमें तस्करी के सब कथित सरगना जो चलाने वाला इमानुल हक है, वो उसको गिरफ्तार किया गया था। वही नहीं, इतना ही टीएम और इसमें इस तस्करी में सबसे बड़ा लिंक जो सामने आ रहा है वो टीएमसी के जुड़े हुए और साफ टीएमसी से जुड़े और सबसे करीबी अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी विनय मिश्रा का नाम आ रहा है। पर ये विनय मिश्रा है कौन और विनय मिश्रा कहाँ है, ये सवाल उठकर आता है। जहां पूछताछ चल रही है मेनका से, जो अभिषेक बनर्जी की साली है, जी हाँ, अभिषेक बनर्जी की वाइफ रुजरा बनर्जी की बहन है मेनका, उनसे जहां पूछताछ हो रही है वहीं पे विनय मिश्रा फरार है। और फरार कैसे है, कहाँ है, क्यों है, क्या ये ढूंढ पाना, निकाल पाना इतना मुश्किल है? एक टीएमसी का नेता है वो, टीएमसी के मेंबर है वो, और ममता बनर्जी को क्या पता नहीं, अभिषेक बनर्जी को क्या पता नहीं, रुजरा बनर्जी को क्या कोई खबर नहीं होगी कि कहाँ है वो? कारण क्या हो सकता है ये आपको अच्छे तरीके से पता है। रीजन इसका साफ साफ है, क्योंकि बीजेपी ने इस चीज को लेकर आरोप लगाया है कि जब विनय मिश्रा का इसमें हाथ आया था, जो विनय मिश्रा सिर्फ और सिर्फ कोयला खनन के तस्करी में नहीं जबकि पशु तस्करी में भी उनका हाथ है और उनके नाम पर लुकआउट जारी हुआ है। लुकआउट का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो भारत छोड़कर तब तक नहीं जा सकते जब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी वो फरार है और इस मामले में तलाशी अभियान कंटिन्यू चालू है, लगातार अभियान चलाई जा रही है, जगह जगह छापे हो रहे हैं। लगभग 13 जगह पर अभी तक छापे सीबीआई के पड़ चुके हैं, जो इनके सबसे महत्वपूर्ण अड्डे हैं, जो तीन ठिकाने जहां पे अभी तक छापे पड़े हैं वो है विनय मिश्रा के अड्डा, एक है अमित सिंह और तीसरा है विनय सिंह, अमित सिंह और नीरज सिंह, विनय मिश्रा, अमित सिंह और नीरज सिंह, इन तीनों के अड्डे पर, इलाके पर भी सीबीआई ने छापा मारी है 13 अलग जगह के अलावा। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस तलाशी अभियान में विनय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है और विनय मिश्रा, जैसा आपको बताया मैंने, वो फरार हो चुके हैं। और ये विनय मिश्रा और अभिषेक बनर्जी और उनका पूरा परिवार, विनय अभिषेक बनर्जी की वाइफ और उनकी वाइफ के वाइफ की बहन, सब बहुत ही करीबी है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है। और सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत भी मिले थे, इसी वजह से मेनका के नाम पे समन हुआ था और मेनका को बुलाकर, मेनका के घर पे जाकर लगभग 3-3.5 घंटे की पूछताछ की गई, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जितने भी कोयला खनन से जो भी घोटाला हो रहा है उसके पैसे की जो लेन देन है, जो क्रेडिट है, वो इन दोनों के अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अभिषेक बनर्जी की वाइफ और उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। जितने भी अवैध तरीके से जो तस्करी हो रही है उसके पैसे की लेन देन में अभिषेक बनर्जी का बहुत फायदा हो रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें हमारी ममता बेगम भी
शामिल है, क्योंकि जहां पे फूआ भतीजा चल रहा था, लेकिन अब तो इस कोयला घोटाले में ये चीजें भी सामने आई कि ये परिवारवाद सिर्फ फूआ भतीजे तक ही सीमित नहीं है, ये तो ससुराल भी खेल रहे हैं और इनका हाथ बहुत दूर तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, बात अगर मैं करूंगी सितंबर 2020 की, जब पिछले साल सितंबर 2020 में कोयला घोटाले की जांच की शुरुआत हुई, तो कोयला घोटाले से जितने भी, और ये बीजेपी के नेताओं और बीजेपी का एक लगाया हुआ बहुत बड़ा आरोप है जो अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेताओं ने शेल कंपनी के जरिए इस घोटाले के पैसे को व्हाइट मनी में बदला और इसका पूरा का पूरा बेनिफिट ममता बनर्जी और उनके प्रिय भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके पूरे परिवार को जाता है। लेकिन जहां अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है, एक बार फिर से सीबीआई पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है, जहां वहीं पे एक तरफ कल जब आपने देखा होगा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे जब ममता बनर्जी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एक फुटबॉल का एक नई कहानी सिखाई, किसी का नाम संबोधित ना करते हुए, किसी का नाम ना लेते हुए उन्होंने पूरा निशाना फिर से एक बार बीजेपी पे साध दिया है। उन्होंने फुटबॉल में अपने आप को गोलकीपर बताया कि मैं गोलकीपर हूं और मैं गोल करना भी जानती हूं और गोल रोकना भी जानती हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि ये मैच सिर्फ मैं ही जीतूंगी, क्योंकि उन्होंने हारना सीखा ही नहीं। और पूरे इस कोयला घोटाले को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला कि वो किसी भी तरीके की जांच से नहीं डरती, उन्हें किसी भी तरीके की जांच पड़ताल में कहीं से भी उनके परिवार का दूर दूर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इस बात का वो श्योरिटी देती हैं और वो कहती हैं कि किसी भी तरीके की जांच पड़ताल के लिए वो तैयार है और ये जांच भी उन्होंने बीजेपी का एक एजेंडा बताया। तो जहां कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, कई ट्रांजेक्शंस मेनका गंभीर के खुलकर सामने आए हैं जिसके वजह से ही उनके नाम पर समन जारी हुआ और सीबीआई ने पूछताछ की, क्योंकि बिना सबूत के सीबीआई किसी के घर में नहीं आ सकती है। और ममता बनर्जी से हम पूछना चाहेंगे कि दीदी, आपके ही नाकों के तले इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कोयला खदान का तस्करी हो रहा है और आपको इसका कोई जानकारी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कोयला कोई टॉफी या चॉकलेट तो नहीं जिसे हाथ में भर के या जेब में भर कर ले जा सकते हैं? समझने की बात है दोस्तों, जहां पे गाड़ियों की गाड़ी की तस्करी हो रही है, जहां बात बांग्लादेश से पहुंच रहा है, जहां सीमा पे तस्करी हो रही है, क्या उसकी खबर राज्य सरकार को नहीं? अगर राज्य सरकार के नाकों के तले सारी चीजें हो रही है और राज्य सरकार को पता नहीं, तो मैं थूकती हूं ऐसे सरकार पे जो इतने बड़े तस्करी के बारे में जिनको जानकारी नहीं है। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि सारे तस्करी का एक एक कनेक्शन अब खुलकर आने वाला है। लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस चुनाव से पहले और कितने घोटाले मुझे और आपको पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस घोटाले के लेकर कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, चैनल लिंक भी आपके पास, इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर लिंक है, आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और खुद कमेंट सेक्शन में अपनी इंफॉर्मेशन और आपको इसके बारे में कुछ और अगर ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।